जंग के नए हथियारों में एक हथियार मीडिया है, जिसे बतौर प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें से एक तारीख पर बनने वाले ड्रामे और फिल्में हैं जो मुख्तलिफ ममालिक के आवाम को खुद पर फहर करने के लिए बनाए जाते हैं। तुर्की का ड्रामा मेरा सुल्तान इसकी बेहतरीन मिसाल है। Ben Süleyman, babam Sultan Selim Han'dan kalan şerefli mirası devralmak için yürüyen, yürüdüğü her adımda adalet arayacağına söz veren Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. Sultanı. इंडियन टॉलीवुड और बॉलीवुड इंडस्ट्री ने भी बाहुबली पर मबनी तसव्वुराती कहानी पेश करके फिल्मबीनों को तफरीह मुहैया की। लेकिन हालिया आने वाली फिल्म पद्मावत से अगले बरसों में आने वाली फिल्में, जिनमें तख्त जो शहंशाह औरंगजेब और दारुश शकू की मुगल सल्तनत के लिए कशमकश, और पानीपत जो सुल्तान अहमद शाह अब्दाली और मराठों के दरमियान होने वाली पानीपत की तीसरी लड़ाई पर मबनी है। इनसे महसूस ये हो रहा है कि तफरी के साथ साथ इंडिया अपने अखंड भारत के बयानिए की तरवीज के लिए न सिर्फ मुस्लिम हीरोज और तारीख को बुरी तरह से मसख कर रहा है, बल्कि अपने बलश्तीय किरदारों को आसमान सिर्फ देवता के तौर पर पेश कर रहा है। से आम आदमी के जहन और खास तौर पर छोटे बच्चों पर आत्मरतब हो रहे हैं। हत्ता के अब तो तिगाजी अटैक और उड़ी 2018 में अहमदाबाद से लोकसभा के रुकन और अदाकार परेश रावल तो अजीत डोवल का स्वांग रचाए, घुसकर मारने की धमकी देना भारतीय जंगी बालादस्ती का प्रचार एक हरबा ही तो है। पाकिस्तान जो भाषा समझता है उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है। सर्जिकल स्ट्राइक से हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा। दोस्तों, हमने आप सबके लिए दिखाई जाने वाली और ज़ेरे तकमील फिल्मों की हकीकत सामने रखने के लिए वीडियोस का एक सिलसिला शुरू किया है, जिसमें ना सिर्फ तारीख बल्कि इंतहाई दिलचस्प हकायक से आपको आगाह किया जाएगा, जो आपके लिए हैरत का बाइस होगा। तो आज सबसे पहले बात करते हैं फिल्म बाहुबली की। दो हिस्सों पर मुश्तमिल और जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता इस फिल्म के पहले हिस्से पर 180 करोड़ रुपए लागत आई, लेकिन इसकी कमाई 650 करोड़ रुपए रही, और दूसरे हिस्से पर 250 करोड़ रुपए लागत आई और इसकी कमाई 1810 करोड़ रही। इस महंगी फिल्म बाहुबली में हीरो को गैर मरई कुवतों का हामिल और जंग के दौरान रणनीति में ताक सेनापति के रूप में दिखाया गया है, जिसके लिए स्पेशल इफेक्ट्स वाले सीन भी फिल्म बंद किए गए। जंग के दौरान जिन आलात का बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया, वो सरजमीन हिंदुस्तान में दर हकीकत मुस्लिम जंगजुओं ने मुतारफ करवाए, मगर फिल्म में ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि रघुवीर की दास्तानों में जिन किरदारों का ताल्लुक है ये उन्हीं से मंसूब है, लेकिन असल में बुरी तरह से तारीख को मसख किया गया है। इस कलाशिकन हथियार को मजनी कहते हैं। तारीख के औराक बताते हैं, सबसे पहले बड़े सगीन में 712 में मोहम्मद बिन कासम ने अरूसक नामी मजनी को फतेह देवल में इस्तेमाल किया था। उनकी आमद से कबल मजनी को हिंदुस्तान में किसी राजा या सेनापति ने जंग के दौरान इस्तेमाल नहीं किया। अब आते हैं बाहुबली पार्ट 2 के एक स्पेशल इफेक्ट वाले सीन की जानिब। जब अचानक रात को राजकुमारी दिवसीना के महल पर मुखालिफ सेना हमला कर देती है, तो बाहुबली और कटप्पा बहादुरी के जोहर दिखाने के लिए एक चाल चलते हैं, यानी गवालों से बैल लेकर उनके सिंगों पर तेल से आग लगाकर मुखालिफ सेना की तरफ छोड़ देते हैं। मगर आप सबके लिए बाइस हैरत होगा कि ये जंगी चाल अजीम मुस्लिम बातर जलील सियासी मुदब्बर जंगी हिकमतकार और फलाह सिफ्त नवाब हैदर अली खान बहादुर ने इजाद की थी और इसे कामयाबी से बढ़ता भी था।
तारीख बताती है कि 1770 से 1772 तक चलने वाली मैसूर मरहट्टा लड़ाई के आखिर में शहजादा टीपू और सरदार मोहम्मद अली कमीदान इन्हीं शक खून और छापा मार हमलों से मरहट्टों के खजाने के साथ हजारों जंगी घोड़े और माल बर्दारी के बैल काबू करके मरहट्टा सेनापति तुरंबक राव बेठी, जिसे तुरंबक राव मामा भी कहा जाता था, को बुरी तरह से जिच कर दिया था। बल्कि एक हल्ला तो उस वक्त बोला गया जब तुरंबक राव अपनी सेना की हिफाजत दरिया में घुसल कर रहा था। हमला इस कदर कारगर था कि तुरंबक राव दरिया से निकलकर गीली धोती ही में घोड़े पर सवार होकर भाग निकला और फैसला कुछ जंग करने पर हो गया। फैसला कुन जंग के लिए नवाब हैदर अली ने सरंगापटम से निकलकर अपनी तमाम अस्करी कुवत को बेंगलोर से 50 मील पर वाकया मागरी के घने जंगल, जो आजकल परिंदों का मस्कन है, के एक किनारे जमा कर लिया था और 1,00,000 मराठा फौज बमा बारी तोखाना अपनी दानिश में लश्कर हैदरी का मुहासरा किए जंगल के दूसरे किनारे खैमा जन हो गयी। नवाब बहादुर जिन्हें नित नए जंगी मनसूबे तरतीब देने पर मलका हासिल था, उन्होंने आसपास के देहात से मजीद बैल खरीद कर लाने का हुक्म दिया। जब 10 से 12 हजार बैल इकट्ठे हो गए तो उनके सींगों पर कपड़ा लपेट कर तेल से तर करने का हुक्म दिया और अपने पास सिर्फ 200 सिपाही रखे, बाकी फौज मरहट्टा पड़ाव पर भेज दी। जब निसब शब्द ढली तो सिपाहियों को तेल अदूर सिंगों को आग लगाकर बैलों से जंगल के दूसरे किनारे मरहट्टा कमीनगाह को रोदने का हुक्म दिया। मगर मरहट्टा पहरेदारों ने इन बैलों को हजारों रोशन मशालें जानकर ये समझा कि नवाब हैदर अली अपनी तमाम फौज के साथ हमला कर रहा है और जलते हुए सिंगों की तपिश से बिखरे हुए हजारों बैलों की यलगार ने मरहट्टा फौज को संभलने का मौका ही न दिया और सब कुछ तहस तहस करके रख दिया। भारी तोपखाना छोड़कर जिसका जिस तरह बस चला वो फरार हो गया, लेकिन ज्यादातर सेना घात लगाए हैदरी मुजाहिदों की तलवारों की जद में आ गई। और त्रंबक राव मामा, जिसे अपने आप पर बड़ा नाज था, वो अपनी खैमागाह से तस्मील दूर जाकर चंद हजार फौज के साथ अपने जख्मों को शुमार करता हुआ मिला। लेकिन जनाब जरा ठहरिए, आपके लिए मजीद इंकशाफात अभी बाकी है। 1978 की पाकिस्तानी फिल्म हैदर अली का ये सीन देखें। अदाकार शान के वालिद रियाज शहद की लिखी हुई फिल्म में मोहम्मद अली ने हैदर अली का किरदार अमर कर दिया है। रब्बुल इज्जत की कसम, मेरी ख्वाहिश ये तक कभी न था, मेरी मंजिल आपकी तरफ भड़कते हुए अंग्रेजी इख्तदार की मौत है। अब ये आग मेरी तलवार से बुझे या मेरी शहरत से टपकते हुए लहू से, इसे बुझना होगा। ये आपने देखा कि हैदर अली में ये बैलों का सीन था और ये मंजर जब अक्स बंद किया गया तब टेक्नोलॉजी अपने अरूज पर नहीं थी। बिना किसी मसनू इफेक्ट के इस मंजर में इस्तेमाल होने वाले बैल भी असली थे। जी जनाब, ये सिरका बाजारी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। बाहुबली का पोस्टमार्टम एक और सीन से करते हैं जो गुज़िश्ता सीन से जुड़ा हुआ सीन है। जब बाहुबली दरिया का बंद तोड़ता है तो मुंहजोर पानी मुखालिफ सेना को बहा ले जाता है। ये सीन देखें। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या जंगी हिकमत अमली है और कैसा माफौकुल फितरत किरदार है, लेकिन इसका भी पर्दा चाक किए देते हैं। ये बात है पांचवीं सलीबी जंग की। सलीबी लश्कर सुल्तान मिस्र मोहम्मद मालिक अल कमील की अमन की पेशकश ठुकरा कर और दिमयात का कला कब्जा कर लेने के बाद काहरा से 100 मील दूर अस्करी मरकज मंसूरा के जनूब में एक नशेबी और तकूनी जगह, जिसके दोनों तरफ दरियाए नील और उसकी जेली शाह बहरुल सगीर या बहरुल शमून बहते हैं, वहाँ पर 24 जुलाई 1221 को पड़ाव डाल चुका था। सुल्तान अल कमील ने फिर एक और अमन की फराह दिलाना पेशकश की, मगर सलीबी कायदीन मिस्र को फतह करने पर मुअस्सर थे। They launched another assault on Damiet. Sam! Some of men. I'll lead them.
The Crusaders keep. दस्तावेजी फिल्म द सुल्तान एंड द सेंट जो इस वाक्य का मुकम्मल अहाता करती है और आप खुद भी इसको डेली मोशन पर देख सकते हैं। फ्रांसिस ऑफ असीसी एंड द सुल्तान ऑफ इजिप्ट मोहम्मद अल कमिल। बाहमी मुज़ाकरात में एक माह बीत गया, हत्ता के नील के किनारे तुगयानी से छलक उठे तो सुल्तान ने जील मंजिला से बहरी जहाज दरियाए नील में दाखिल करके फौजी दस्ते सलीबी लश्कर के अकब में उतार कर पहले दमयात से राब्ता काटने के साथ उनके फरार की राह मस्तूत कर दी और 29 अगस्त की रात को नील के नकासी दरवाजे खोल कर सलीबी पड़ाव को नजरे आब कर दिया। सुबह को सलीबी लश्कर ने खुद को और अपने घोड़ों को घुटनों तक पानी और कीचड़ में तरसा पाया और अपने आप को नकलो हरकत से मफलूज। Your Holiness, we are defeated. चंद ही दिन में फाका कशी बसपाई के अदब इम्कान और फतह मिस्र के ख्वाब की किचियों से जब आंखों में मौत के साए आन बसे तो मोरिख हेरलार्ड लाइम के मुताबिक यरूशलेम का किंग जान जो बाद में बाजंतीनी रियासत का शहंशाह बना 20 अमाईदीन लिए सुल्तान अल कमील के हजूर सर पर हाथ रखे घुटनों के बल गिर कर रहम का तालिब हुआ। सुल्तान ने तो उससे इस्तफसार किया था, तुम इस कदर गमजदा क्यों हो, मगर तारीख का एक पंजाबी तालिब इल्म इस जुमले से यही पोशीदा मफहूम आहस करता है कि हुन आराम है। This is it. They've left us no choice. And you know it. अगरचे सुल्तान अल कमील को साथी सलारों ने तमाम दुश्मन लश्कर को खत्म करने का मशवरा दिया लेकिन सुल्तान ने अपने अजीम तरीन ताया अबू यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की इंसान दोस्ती लुत्फ करम और वसीउल कल्बी की रवायत को आगे बढ़ाते हुए एक लश्कर शफकत तश्कील दिया जिसको सलीबी जंगों के जिस्म की बजाय रूहों पर फतह करने का हदफ सौंपा। सैलाबजदा इलाके में फंसे नसरानी फौज को रोजाना 50,000 रोटियाँ और उनके घोड़ों के लिए 1100 चारे की घंटे और दीगर सहूलियात की फराहमी दी गई। हम उम्मीद रखते हैं आपको हमारी काविश पसंद आएगी, आप जरूर अपनी आरा भी दें। आप खुद भी हमारे बयान करदा हकायक की तस्दीक कर सकते हैं, मुमकिन हद तक पहले कमेंट में हमने हवाले भी दिए हैं। अफसोस की बात यह है कि हमारे खुद साख्ता दानिश्वर सिर्फ मायूसी की तिजारत करते हैं। अपनी तहजीब सकाफत और फ़नून लतीफ़ा पर मान कीजिए। कोई फिल्म डॉक्यूमेंट्री या सोशल मीडिया के इस दौर में क्लिप नज़र आए तो उसका तनकीदी निगाह से जायज़ा ज़रूर लीजिए और अपनी नई नस्ल को आगाह भी कीजिए क्योंकि तारीख से शनासाई उतनी ही ज़रूरी है जितना कि खाना पीना पहनना और सांस लेना। इसी मौजू को किसी दूसरी फिल्म के जायजे से आगे बढ़ाएंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारी इस वीडियो में बयान करदा तारीखी वाक़ियात को अपने घर के या आसपास के छोटे बच्चों को बतौर कहानी सुनाइए और हमारी इस वीडियो को भरपूर तरीके से शेयर कीजिए और फिफ्थ जनरेशन वार में अपना हिस्सा ज़रूर डालिए। खुदा हाफिज़।